नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डिया गुरु जी पर। तो आप सभी ने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को होता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा की मैं तैयारी करवाता हूँ, बीएड के बाद या डीएलएड की ही हम बात कर लेते हैं। तो चाहे बीएड वाले हैं चाहे डीएलएड वाले हैं, उन सब के लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड के बाद टीजीटी होता है, पीजीटी होता है, या आप ये 6 to 8 वाले में बीएड के बाद पढ़ा सकते हैं, और डीएलएड वाले जो है नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक जो वैकेंसीज आती है, नर्सरी से मतलब प्राइमरी का आता है और ये 6 to 8 का आता है, ये आप पढ़ा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो डीएलएड वाले हैं चाहे बीएड वाले हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, मैं आपको 6 to 8 जो कि बीपीएससी में भर भर के वैकेंसीज आ रही हैं या यूपी में या कहीं भी आपकी जो वैकेंसीज आती हैं 6 to 8 को लेकर के या 9th 10th को लेकर के, तो यहाँ पर इन सबके जो मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ कि आपके एटलीस्ट जो ग्रेजुएशन है उसमें क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भैया 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 8 ये इसको अपर प्राइमरी भी बोला जाता है। ठीक है, और ये अगर हम बात करते हैं हर स्टेट में वैलिड रहने वाला जो आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखे हैं इसके बारे में जान लो, मैं क्या बताऊँगा इसके क्या क्या चाहिए। एक तो 6 to 8 में अगर आपको सीटेट आपका पेपर जो सेकंड है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, आपने बीएड कर रखा है या डीएलएड कर रखा है, कोई 6 to 8 के लिए कोई मायने रखता है, आप बीएड वाले भी वैलिड हैं और डीएलएड वाले भी वैलिड हैं। ठीक है, डीएलएड या बीटीसी जिसको जो लोग बोलते हैं, दोनों लोग जो है आपके वैलिड हैं, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए बीएड या डीएलएड। इसके बाद आप सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, सीटेट आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए, और सीटेट अगर आपका क्वालिफाई है पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर मैथ या साइंस के टीचर, SST के टीचर या हिंदी या इंग्लिश के जो है टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैथ या साइंस की बात करते हैं, अगर आपको इसका टीचर बनना है तो यहां पर ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, देखो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका तीनों साल में होना ही होना चाहिए, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगर आप मैथ या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप SST यानी कि सोशल साइंस के जो टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, कॉमर्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका जो है 3 सालों में होना चाहिए। बहुत इसमें 6 to 8 के लिए कोई कॉम्बिनेशन का झंझट ज्यादा है नहीं। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं हिंदी या इंग्लिश के लिए, तो आपका हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश के लिए आपका हिंदी या जो आप हिंदी से करना चाहते हो हिंदी, इसके बाद जो भी आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं वो आपके होने चाहिए, इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। तो 6 to 8 का तो बहुत सिंपल सा रूल है भैया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया है आपके ग्रेजुएशन में 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए, 50% मिनिमम जो है मार्क होने चाहिए, इसके बाद आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हो। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं TGT को लेकर के, और PGT में तो कोई समस्या है नहीं भैया, TGT का जो है मेन सब्जेक्ट, क्योंकि PGT के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती नहीं है, PGT के लिए आपने जिस सब्जेक्ट से PGT कर रखा है उसके लिए आपका होता है। तो हम बात करते हैं पहले 9th 10th यानी कि जिसको हम लोग 9th 10th में जो वैकेंसीज निकलती है उसको बोला जाता है TGT। ठीक है, TGT बोला जाता है, और TGT अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको मौका मिलता है 9th और 10th वालों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, 9th और 10th वालों को पढ़ाने के लिए आपको जो है मौका मिलता है। तो यहाँ पर मैं सारे सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और बीएड अगर आप करने जा रहे हो, ठीक है, स्पेशली बीएड करने जा रहे हो अगर आप लोग, तो आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट जो है चूज करना है ये दिमाग में रखना है। तो बात करते हैं पहले हिंदी के बारे में, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका संस्कृत, ये 2 सब्जेक्ट आपके किन्हीं 2 सालों में होने ही होने चाहिए। ठीक है, हिंदी प्लस संस्कृत आपके किन्हीं 2 सालों में होने ही होने चाहिए, हिंदी ऑनर्स से भी क्या काम चल जाएगा, तो हिंदी या संस्कृत 2 सब्जेक्ट ये होने ही होने चाहिए। इंग्लिश का भी सेम वही सीन है कि आपका इंग्लिश, उसके अलावा 2 सब्जेक्ट आप कोई भी लेकर चल रहे हो, इंग्लिश आपका 3 सालों में 2 सालों में कम से कम इंग्लिश होना ही होना चाहिए, तो आप इंग्लिश से जो है इंग्लिश के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता, इंग्लिश आपके 2 साल में होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार मैथ और साइंस का भी सीन है, मैथ के लिए आपका मैथ प्लस जो 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं, मैथ अगर जो भी मैथ से पढ़ रहा है तो मैथ के साथ 2 सब्जेक्ट क्या फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेगा, ठीक है, फिजिक्स ले लेगा, केमिस्ट्री लेगा, यही लेता है, तो आपके ये होने चाहिए। वही सेम चीज़ साइंस के साथ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। साइंस में 2 चीज़ें फंसती है, एक बायोलॉजी का भी आता है, उसका भी बताऊंगा भैया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया SST के लिए, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा लोग कॉम्बिनेशन के लिए ढूंढते रहते हैं, एक तो हिंदी के लिए ढूंढते हैं, एक SST यानी कि सोशल साइंस के लिए। अब आपकी TGT में एक वैकेंसी आती है SST की, ठीक है, सोशल स्टडीज की वैकेंसी आती है, अगर आप उसके टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके सामने ये 4 सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमी,
इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके 3 सालों में होना ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आपने फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमी से कर लिया, पहला साल जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स किया, दूसरा साल भी उसी से करेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करेंगे, तीसरे साल में कोई एक छोड़ देंगे तो आप वैलिड हैं। ठीक है, मतलब ये 4 सब्जेक्ट देख लो, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके 3 सालों में मिनिमम जो है आपके होने ही होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, उर्दू के लिए। तो उर्दू के लिए भैया आपका उर्दू होना चाहिए 2 साल में। और बात करते हैं बायोलॉजी से, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ाना चाहते हैं चीज़ें वैकेंसी आती है उनका एक सब्जेक्ट तो आपका रहता ही रहता है, वो शायद केमिस्ट्री ज़्यादा लोगों रहता है, फिजिक्स रहता है। उसके अलावा जूलॉजी और बॉटनी आपका 2 सालों में होना ही होना चाहिए। ठीक है, जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जो है दिमाग में रखिएगा। कॉमर्स वालों के लिए भैया बी कॉम करते ही करते हैं, कॉमर्स वालों की जो वैकेंसीज आती हैं वो बी कॉम में आपने वो सब्जेक्ट ऑलरेडी ले रखे होते हैं, तो इनके लिए कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है, अब आप बीएड करने जा रहे हो, एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपके कॉम्बिनेशन क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, 8 साइड। ठीक है, ध्यान समझो भैया, इसमें क्या होता है ना, आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। ठीक है, 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं आपके। कुछ होते हैं बीएड वाले सब्जेक्ट जहाँ पर आपको टीचिंग के बारे में सिखाया था कि टीचिंग कैसे करनी है, लेकिन आपके वहाँ पर 2 टीचिंग सब्जेक्ट भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए 8 साइड से हैं, आप हिंदी से करना चाहते हैं, टीजीटी हिंदी से भरना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले क्राइटेरिया बता दिया, हिंदी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी प्लस संस्कृत होना चाहिए। तो अगर आप 8 साइड अगर बीएड करने जा रहे हैं तो आपके वहाँ पर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक तो हिंदी होना ही चाहिए, एक दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं कोई भी आप। ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट दूसरा ले लो। ठीक है, 8 साइड से हैं तो आपके जो बीएड में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई एक ले लो। ठीक है, यानी कि हिंदी के साथ कोई एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए, आपके जो 8 साइड में जो आपके सब्जेक्ट रहे होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जो भी आपके रहेंगे, उसके स्थान पर सिविक्स होता है, आप वो ले सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं, अगर आप SST देना चाहते हैं तो SST के लिए आपका कॉम्बिनेशन बनता है सिविक्स का। ठीक है, सिविक्स का जो है कॉम्बिनेशन बनता है सिविक्स ले सकते हैं। ठीक है, और प्लस एक कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, वो पीछे जो कॉम्बिनेशन बना है वो होना चाहिए, ये तो बीएड में सब्जेक्ट बता रहा हूँ, और बीएड के सब्जेक्ट कोई खास मायने नहीं रखते हैं, वो आपको वहाँ के HOD खुद बता देते हैं। ठीक है, वो तो अगर आपका पीछे कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना तो आगे अपने आप बन जाएगा, तो आपका सिविक्स प्लस लैंग्वेज होना चाहिए। यही सेम चीज़ साइंस में चलता है, अगर आप साइंस से जो है बीएड करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, साइंस साइड मतलब उसमें मैथ होता है, तो मैथ प्लस लैंग्वेज ले लो, साइंस प्लस लैंग्वेज ले लो, बायो प्लस लैंग्वेज ले लो, बस आपको ये करना है। और वही सेम चीज़ आपका कॉमर्स में है, एक कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट उठाइए, इकोनॉमी हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, ये उठाइए, प्लस उसके साथ एक जो है लैंग्वेज ले लीजिए हिंदी या इंग्लिश। यानी कि आपके जो बीएड में होते हैं सब्जेक्ट, 2 जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उसमें एक आपका मेन सब्जेक्ट होता है, एक आपका कौन सा होता है लैंग्वेज वाला होता है। लैंग्वेज आप कोई भी लो, जर्नी की आपने जैसे साइंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप मैथ लेते हो, अब मैथ के साथ क्या करोगे, कहोगे सर जी हिंदी ले सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, ग्रेजुएशन में है नहीं, इससे नहीं मतलब है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज होता है आपका। ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ मैथ प्लस हिंदी ले लिए तो आप TGT हिंदी से भर पाओगे, मेन सब्जेक्ट आपका मैथ ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा भैया। ठीक है, तो ये होता है भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको दिमाग में रखेंगे, आगे आने वाली वैकेंसीज में आपको हम पूरा सपोर्ट देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो चैनल पर जुड़े रहो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं कैसे भी तरीके के आपको जो है अपडेट देता हूँ, ये नहीं कि ऐसा कोई अपडेट दे दिया तो आप चैनल को स्किप कर दो। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो सब्सक्राइब करके रखना है, इन फ्यूचर जब भी आपके लिए कुछ भी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं अपने चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, आपको कंटेंट देता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर करना है, जिससे वो लोग भी जो है इसके बारे में जान सके। अगर आपके कोई डाउट बसते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसके ऊपर भी जो है वीडियो बना के देने वाला हूँ। धन्यवाद।